नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को कैसे लेना चाहिए और एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का उपयोग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक बंद होना आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए भी एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का उपयोग केवल सूखी खांसी होने पर किया जाता है, इसलिए बलगम वाली खांसी होने पर एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एम्ब्रोलाइट डी प्लस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।